मस्ती से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वह जादूगरनी के घर के पास आया। जादूगरनी ने पूछा, राजकुमार तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुखगाल वाली, सेब के बीज जैसी कथई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। जादूगरनी ने कहा, मुझे सोने के लिए एक कंबल चाहिए। जब तुम मुझे एक कंबल दोगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। राजकुमार बोला, तुम थकी हुई हो, मेरे पास कंबल तो नहीं है, पर मेरे पास यह मखमली कोट है, यह तुम ले सकती हो, यह लो। यह कहकर राजकुमार ने उसे अपना लंबा मखमली कोट उसे दे दिया। जादूगरनी ने वह लंबा कोट अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लिया और बोली, अब तुम जा सकते हो राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, पर हाँ याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की न मिले तो वहाँ एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। राजकुमार जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हवा किसी तेजी के साथ फिर उस लड़की की खोज में चल दिया। और अब आया वह खाई के पार एक बड़े दरवाजे के पास। छी छी, राजकुमार तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजे ने पूछा। मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुखगाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। राजकुमार ने कहा, छी छी, पहले मेरे जोड़ों में तेल लगाओ, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। दरवाजे ने कहा। राजकुमार बोला, ओह, तुम्हारे जोड़ों में तो बहुत जंग लगी है, मेरे पास कोई तेल तो नहीं है, हाँ थोड़ा साबुन है, वही ले लो। कहकर उसने दरवाजे के जोड़ों में थोड़ा सा साबुन लगा दिया। दरवाजा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार जाओ, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें वहाँ वह लड़की दिखाई न दे तो वहाँ एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नचाता चला गया। आखिर वह राक्षस के किले पर पहुंचा। वह सीधा घोड़े को सीढ़ियां चढ़ाता सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। वह किले के पीछे पहुंचा, पर उसे न तो वहां कोई राक्षस दिखाई दिया और न ही वह लड़की। वह आगे वाले कमरे में गया, पर वहां भी उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वो रसोई में गया, वहां भी उसे न राक्षस दिखाई दिया न वह लड़की।